जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद आज फिर सुरक्षा बलों के सामने शुक्रवार का इम्तिहान है। हालांकि पिछले जुमे को ज्यादातर मस्जिदों में नमाज की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन आज शहर के हालात कैसे हैं इस पर हमारे संवाददाता अशरफ वानी की रिपोर्ट देखिए। धारा 370 के खात्मे को महीने से भी ज्यादा समय बीत गया है, लेकिन कश्मीर में अभी भी हालात शांतिपूर्ण नहीं है और ना ही आम जनजीवन पटरी पर उतर रहा है। हम इस वक्त श्रीनगर के लाल चौक में हैं, जो श्रीनगर का सबसे व्यस्त इलाका माना जाता है, लेकिन पिछले 33 दिन से यहाँ पर इसी तरह की तस्वीर सामने आ रही है। ना ही दुकानें खुल रही हैं और ना ही दूसरे जो कारोबारी इदारे हैं वो खुल पा रहे हैं। सरकार ने स्कूलों को पहले ही तो खोल दिया था, वहाँ पर शिक्षक तो आ रहे हैं, लेकिन छात्र अभी भी स्कूलों का रुख नहीं कर रहे हैं। आज पांचवां शुक्रवार है धारा 370 हटाए जाने के बाद, और प्रशासन ने कश्मीर के कुछ हिसास इलाकों में एक बार फिर जो है आवाजाही पर कुछ हद तक पाबंदी लगा दी है। जो बड़ी मस्जिदें कश्मीर की हैं वहां पर फिलहाल आज भी नहीं लग रहा है कि वहां पर लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाएगी। मुहर्रम का महीना भी चल रहा है और मुहर्रम के इन दिनों में आमतौर से मुहर्रम के जुलूस कश्मीर के अलग अलग इलाकों में निकलते थे, फिलहाल उन मुहर्रम के जुलूसों पर भी पाबंदी लगा दी गई है और लोगों को कहा गया है कि वो इस तरह के जुलूसों की कोशिश ना करें, क्योंकि कश्मीर में धारा 144 लगी हुई है। पिछले कुछ दिनों के दौरान सरकार की तरफ से प्रयास हो रहा है कि कश्मीर में हालात को सामान्य करने के लिए हर तरह की कोशिश की जाए, यहाँ तक कि लैंड सेवाएं जो हैं पूरे कश्मीर में बहाल की गई है, मोबाइल सेवाएं भी कुछ चुनिंदा इलाकों में शुरू कर दी गई है और आने वाले दिनों में इसमें और जो है दायरा बढ़ाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो कहीं ना कहीं खौफ लोगों में बना हुआ है वो कश्मीर में अपना असर दिखा रहा है, और यही कारण है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों पर नहीं उतर रहा है और ना ही दुकानें और बाजार खुल पा रहे हैं। रूफ अहमद के साथ अशरफानी, श्रीनगर आज तक। तो 33वें दिन कश्मीर में आज क्या सूरत है, श्रीनगर से अशरफानी की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। अशरफ से हम संपर्क भी करेंगे, उनसे लेटेस्ट अपडेट हम लेंगे, लेकिन इस बीच आपको दिखाएं कि पाकिस्तान किस तरह से कश्मीर को लेकर आतंकी साजिश की नई खेप तैयार कर रहा है। उन्माद पैदा करके आज अपने रक्षा दिवस को कश्मीर एकजुटता दिवस के रूप में पाकिस्तान मना रहा है, लेकिन न यूएन में और न दुनिया में पाकिस्तान को किसी ने भाव दिया। कश्मीर में जिंदगी पटरी पर लौट रही है, लेकिन पाकिस्तान बेचैन है। धारा 370 हटने के गम में वो दुबला होता जा रहा है, लिहाजा अपनी जनता को फिर से भड़काने के लिए उसने अपने रक्षा दिवस को चुना है। आज वो रक्षा दिवस के बहाने कश्मीर एकजुटता दिवस मना रहा है। ना यूएन में, ना ही दुनिया के किसी मंच पर और ना ही कश्मीर के लोगों के बीच पाकिस्तान की दाल गली, तो अब पाकिस्तान ने डबल गेम शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से पहले वो जम्मू कश्मीर में अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने में जुट गया है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक हर जंग में मुक्की खाने वाले पाकिस्तान की बुजदिल सेना ने एक बार फिर आतंकियों पर भरोसा जताया है, लिहाजा पाकिस्तानी सेना ने पीओके के आतंकी कैंप में अपने पिट्ठुओं को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। इसमें पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टी जमात इस्लामी के साथ साथ उसके आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसकी तस्दीक इस बात से भी हो जाती है कि जब एलओसी से घुसपैठ करते हुए पाकिस्तान के दो आतंकियों को जिंदा पकड़ा गया तो उसने पाकिस्तान के नापाक इरादे का पूरा चिट्ठा खोल कर रख दिया, जिन्हें पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर में खून खराबा करने के लिए भेजा था। लेकिन पाकिस्तान की ये हरकत दुनिया से छिपी नहीं है, उसकी कथनी और करनी को दुनिया बखूबी समझती है। यही वजह है कि अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया है। जिम मैटिस अमेरिका सेना के जनरल रह चुके हैं और उन्होंने इराक युद्ध और अफगानिस्तान युद्ध में अमेरिकी सेना का नेतृत्व भी किया था। तबाही वाली सोच के जितने देश हैं उनमें पाकिस्तान सबसे खतरनाक देश है, क्योंकि पाकिस्तान में कट्टरपंथी और आतंकी हैं और उनके पास एटम बम भी है। अगर पाकिस्तान के एटम बम आतंकियों के हाथ में पड़ते हैं तो ये दुनिया के लिए सबसे बड़ी तबाही होगी। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, लेकिन पीएम मोदी की कूटनीतिक चाल के आगे इमरान और उसकी सेना बेबस है। ऐसे में पाकिस्तान के सामने छटपटाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक।
चाहे घुसपैठ कराने की कोशिश हो या फिर पाकिस्तानी फौज के बयान हो या पाकिस्तान के नेताओं के बयान हो, कश्मीर में हालात बिगाड़ने की उनकी तरफ से कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर में हालात सामान्य करने को लेकर उम्मीद लगातार बरकरार है, प्रयास भी किए जा रहे हैं। श्रीनगर से इस वक्त अशरफ वानी हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, आज फिर शुक्रवार का दिन है, हालांकि पिछले शुक्रवार को जुम्मे को देखते हुए कई मस्जिदों में नमाज नहीं हुई, लेकिन आज क्या परिस्थितियां वहां पर दिखाई दे रही हैं? बिना किसी कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता है प्रशासन, क्योंकि पिछले 33 दिन के दौरान एक ही जो प्लस पॉइंट जिसे कहा जाए जो प्रशासन के लिए है या सरकार के लिए, ये है कि वो किसी भी बड़ी हिंसा को रोकने में सफल रहे हैं पूरे कश्मीर में, और इंसानी जान भी बचाने में सफल रहे हैं। तो आज शुक्रवार है, क्योंकि शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान काफ़ी सारे लोग एक साथ जुटते हैं नमाज के लिए, तो वहाँ पर इस तरह की आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि वहाँ पर किसी तरह का प्रदर्शन हो, हंगामा हो, फिर उसको रोकने को लेकर काफ़ी दिक्कतें जो हैं प्रशासन और पुलिस को करनी पड़ेगी। यही कारण है कि आज भी जो शुक्रवार है, जो बड़ी मस्जिदें हैं, खासतौर से जो जामिया मस्जिद है डाउन टाउन इलाके की, हजरतबल की दरगाह है, वहाँ पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है लोगों की आवाजाही पर, और जाहिर है कि उससे जो है ज्यादा भीड़ वहां पर एकजुट नहीं हो पाएगी। श्रीनगर में जो है पिछले कई दिनों से धीरे धीरे जो है अब आवाजाही से रोक हटाई जा रही है, जो बैरिकेड जगह जगह पर लगे थे वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो लगातार पिछले 33 दिन से सड़कों पर नहीं आ रहा है। हाँ, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जिन लोगों के पास है वो आवाजाही बिल्कुल श्रीनगर के साथ साथ घाटी के दूसरे इलाकों में। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। बात अब नए मोटर व्हीकल एक्ट की, जिसे लेकर जब से यह एक्ट लागू हुआ है सड़कों पर किस तरह की स्थिति है वो आपको हम दिखाते हैं। दरअसल चालान का चक्कर आजकल बड़े बड़ों को घनचक्कर बना रहा है। ट्रैफिक नियमों को धता बताने वालों को भारी भरकम चालान देने पड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या स्थिति है? देखिए, दिल्ली में नशे में धुत शख्स ने अपनी बाइक को ही आग के हवाले कर दिया। नशे में गाड़ी चलाई तो चालान, बिना लाइसेंस सड़क पर गाड़ी दौड़ाई तो चालान, बिना आरसी के रफ्तार पकड़ी तो चालान, हेलमेट नहीं पहनकर बाइक भगाई तो चालान, रेड लाइट पार कर गाड़ी दौड़ाई तो चालान। आजकल चालान की चर्चा जोरों पर है। दिल्ली के शेख सराय में जनाब नशे में धुत होकर बाइक पर निकले, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने धर लिया। जाँच हुई तो पता चला कि टल्ली होकर बाइक पर निकले हैं, सो चालान का फर्रा कट गया, लेकिन सिर पर नशा चढ़कर बोल रहा था, सो गुस्से में अपनी ही बाइक को आग के हवाले कर दिया। लेकिन पुलिस वालों से पीछा नहीं छूटा, उल्टे हिरासत में ले लिए गए। चालान के चक्रव्यूह से राजस्थान के मंत्री प्रमोद जैन भाया भी नहीं बच पाए। बड़े शौक से बुलेट पर पत्नी के साथ सवारी के लिए निकले थे, लेकिन सिर से हेलमेट नदारद, लिहाजा ट्रैफिक पुलिस ने मंत्री जी को 200 रुपए का चालान थमा दिया। नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुए अभी 5 दिन ही बीते हैं, लेकिन चालान की फेहरिस्त लंबी हो गई है और लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की माने तो सब कुछ 15 दिनों में ठीक ठाक हो जाएगा। अभी कानून होने के बाद में भी लोग उसके कारण इसका अमल नहीं कर रहे, तो लोगों की जान बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हैं, और मुझे लगता है ऐसी स्थितियां भी आएगी, इतने लोग लाइसेंस ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कि धीरे धीरे परिस्थितियां अच्छी हो गई, सब ठीक से होगा। आप 15 दिन रुक जाइए, सब लोग कानून से चलने लगेंगे, कोई समस्या ही नहीं आएगी। मंत्री जी लोगों की जान बचाने की बात कर रहे हैं, पर लोग अपनी जेबें ढीली होने से खफा हैं। दिल्ली से सटे फरीदाबाद को ही ले लीजिए, यहाँ 2 युवक बाइक से फराटा भरते हुए जा रहे थे कि ट्रैफिक पुलिस के हत्थे चढ़ गए। किसी के पास हेलमेट नहीं था तो किसी के पास जरूरी कागजात। ट्रैफिक पुलिस ने एक का 40,000 तो दूसरे का 41,000 का चालान काट दिया। वो तो गनीमत रही कि बाद में दस्तावेज दिखाने पर एक के चालान की राशि 21,000 कर दी गई, लेकिन दूसरा शख्स जुर्माना नहीं भर सका, जिसकी वजह से उसकी बाइक जब्त हो गई। जिला कोई भी हो, शहर कोई भी हो, सिर्फ नाम बदलते जाइए, चालान की कहानियां कमोबेश सभी जगह एक जैसी ही है। दिल्ली से अरविंद ओझा, फरीदाबाद से सचिन गौड़ और जयपुर से शरद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले आपको बता दें कि चांद पर लैंडिंग को लेकर आज दिन भर हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। थोड़ी देर में 10:30 बजे चांद पर हिंदुस्तान और 12 बजे कवियों की जुबानी, जरूर सुनिए चांद की कहानी। चंदा मामा दूर की।
के है ये बात न तुम अब कहना, बात न तुम अब कहना। आधी आधी रात मेरी आंख से चुरा के नींद खेत खलियान में बुलाती रही चांदनी। के यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है तुमको सूचित हो, विजय का रथ सुपथ पर बढ़ रहा है तुमको सूचित हो। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।